वहीं पीसीसी में आज पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाथूराम मिर्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा समेत कई नेता मौजूद रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नाथूराम मिर्धा की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि नाथूराम मिर्धा ने पूरे जीवन में किसान, मजदूर, गरीब के लिए संघर्ष किया और सियासी जमीन में नए आयाम स्थापित किए। जो छाप उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में छोड़ी है वो अमिट है। किसान नेता और कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर रहे किसानों के मसीहा स्वर्गीय नाथूराम जी की आज 24वीं पुण्यतिथि है। उनको हमने उनके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित की है। नाथूराम जी ने पूरे जीवन में किसान के लिए, गरीब के लिए, पिछड़े तबके के लिए, मजदूर के लिए, सब के लिए संघर्ष किया और राजनीतिक जीवन में एक नए आयाम स्थापित किए। उन्होंने हमेशा किसान की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। किसान को मजबूती देने के लिए वो हमेशा संघर्ष करते रहे और जो छाप उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में प्रदेश के किसानों के लिए, गरीब के लिए, पिछड़ों के लिए छोड़ी है वो अमिट है। उन्होंने जो दिशा दिखाई उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी काम करते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार किसानों की बेहबूदी के लिए काम कर रही है।